स्वागत है आपका आज के एक शानदार एपिसोड में, जहां पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं हैप्पीली एवर आफ्टर वेब सीरीज का। यह वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर फ्री अवेलेबल है। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं, पर एपिसोड 20 मिनट्स का है। 20 मिनट्स की स्टोरी है, एपिसोड लगभग 25 से 27 मिनट का होगा। बात करते हैं कास्ट की, तो कास्ट में इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने काम किया है, लेकिन हम मेन मेन लोगों की बात करते हैं जिनके आसपास ये पूरी स्टोरी घूमती है। तो आते हैं हमारे नवीन कस्तूरिया, जिन्होंने रोनित का रोल प्ले किया है। ये हमारे वेब सीरीज़ के हीरो हैं। हर्षिता कौर, जिन्होंने अवनी का रोल प्ले किया है। शिवांकित सिंह, जिन्होंने मैनी का रोल प्ले किया है। गुरुप्रीत सैनी, जिन्होंने ऋषि का रोल प्ले किया है। श्रुति दास, जिन्होंने सुरभि का रोल प्ले किया है। सुरभि ऋषि की गर्लफ्रेंड होती हैं। मीनल कपूर, जिन्होंने रीमा मासी का रोल प्ले किया है। इनका एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर है, ये एक बहुत ही शानदार सीन इनके साथ होता है। और रवीना, जिन्होंने मेघा का रोल प्ले किया है, ये मैनी की गर्लफ्रेंड होती हैं, मतलब बन जाती हैं बाद में। और मीनाक्षी सेठी, जिन्होंने छोटी बुआ का रोल प्ले किया है। और भी बहुत सारे करेक्टर हैं, जैसे ताऊ जी, बड़ी बुआ, और अवनी के माता पिता, रोनित की मम्मी, और भी बहुत सारे करेक्टर हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी लव लव स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें ये लोग लवर्स होते हैं, रोनित और अवनी। ये शादी करना चाहते हैं, और अवनी डेस्टिनेशन वेडिंग चाहती हैं, और रोनित कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि रोनित को पैसे बचाने होते हैं। लेकिन अवनी की एक बार शादी हो चुकी होती है, वो डिवोर्सी होती हैं, तो उनको अब की बार बहुत ही अच्छे तरीके से शादी करनी होती है। इस वजह से वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग चाहती हैं, और रोनित को यह प्रॉब्लम होती है कि डेस्टिनेशन वेडिंग में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। तो इस पूरी वेब सीरीज़ में ये सिर्फ बजट ही काउंट करते रहते हैं। पूरी वेब सीरीज़ में ये सिर्फ यही देखते रहते हैं कि कहाँ पर खर्चा कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है, कैसे पैसे बचाने हैं, क्या होता है। लेकिन इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है इसमें। तो स्टोरी शुरू होती है, हमारे रोनित अवनी का पीछा करते हैं, फिर धीरे धीरे बात चालू होती है, फिर ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। फिर बीच में इनका ब्रेकअप भी होता है। जब ब्रेक होता है तो रोनित गुस्से में होते हैं, क्योंकि रोनित नहीं चाहते ब्रेक, लेकिन अवनी ब्रेक लेती हैं। तो रोनित एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड पे चले जाते हैं, और अवनी नहीं जाती। अवनी को पता चल जाता है कि रोनित किसी के साथ हैं। अवनी जाती हैं और रोनित के थप्पड़ मार के निकल जाती हैं वहाँ से, और गुस्सा हो जाती हैं। फिर रोनित मनाने जाते हैं, फिर इन दोनों के बीच में बातें शुरू होती हैं। फिर अवनी रोनित के फ्रेंड से मिलती है, रोनित उनके घर में जाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं। अवनी की फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली होती है, और एक बहुत ही टिपिकल पंजाबी फैमिली होती है। और रोनित की फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, उनकी मासी और उनकी मम्मी होती हैं, और उनके दोस्त होते हैं बस, ज़्यादा बाकी कोई नहीं होता है। मैनी जो होते हैं वो एक स्वीट्स शॉप के मालिक होते हैं, जहाँ पर वो बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं। तो रोनित की शादी में वही बर्फ़ी लेकर आते हैं। और ऋषि और सुरभि, ये इनके वेडिंग प्लानर होते हैं। ये इनकी शादी में बजट कैसे सही से बैठाया जाए वो देखते हैं। ये लोग एक वेडिंग प्लानर हायर करते हैं, जिसमें रोनित को बाद में शक होता है कि अवनी का वेडिंग प्लानर के साथ में कुछ हो रहा है। और इसी में कुछ इनके साथ सीन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाती है। ये एक राजस्थान के बेस्ट होटल में शादी करने के लिए जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए जाते हैं, और उसमें काफ़ी सारे मज़े आते हैं, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाती है, और 48 लाख रुपए इनका बर्बाद चला जाता है। फिर ये एक मंदिर में शादी करते हैं, और स्टोरी का एंड हो जाता है। तो स्टोरी सुनने में तो काफ़ी नॉर्मल लग रही है, लेकिन इसमें जब आप देखोगे तो स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और
काफ़ी लोगों ने इसमें रोल किया है। हो सकता है कि आप बोर हों, कई एपिसोड इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और स्टोरी ठीक है, मैं ठीक कहूँगा। मैं इसको 5 out of 10 की रेटिंग दे सकता हूँ। इसमें 6.7 की रेटिंग है, लेकिन 5 out of 10 बेस्ट रेटिंग है इसके लिए, क्योंकि कई जगह पर यह बोरिंग भी है स्टोरी, लेकिन आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। हाँ, इसमें ज़्यादा इंटीमेट सीन्स नहीं है, तो जिनको इंटीमेट सीन्स पसंद है, 18+ वेब सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, गंदी बात जैसे वेब सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये वेब सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो वो अपना टाइम यहाँ पर ना बर्बाद करें, वो उनको मज़ा नहीं आने वाला है, बाद में आप मुझे भी गाली देंगे। तो इससे अच्छा है आप इस वेब सीरीज़ को ना देखें। और IMDb पर इसको, जैसा कि मैंने बताया, कि 6.7 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है, तो आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। ये MX प्लेयर पर फ्री अवेलेबल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और कमेंट करके बताओ कि अगली किस मूवी पर और किस वेब सीरीज़ पर आपको रिव्यू या एक्सप्लेन वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।